तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट एक्सेल जो हमारा आया है उसका एक नया फीचर है डेटा टाइप्स। जैसे आप जो है यहाँ पे तो क्लिक करेंगे तो बहुत से डेटा टाइप्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा। न्यू दिल्ली लिखने के बाद यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफिकल पे हम क्लिक करेंगे, इसको ज्योग्राफर में कौन सा सिटीज है तो सिटी पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। देखिए कन्वर्ट कर दिया। तो सिर्फ कन्वर्ट करने से फायदा क्या हुआ, अब इसकी जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो मैं निकाल सकता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा कि भाई इसका एलिमिनेटेड रीजन कौन सा है, तो ये रहा। एरिया कितना स्क्वायर फीट का है, ये रहा। सिटी पॉपुलेशन कितना है, कंट्री रीजन कौन सा है, लोकल मैप, आ गया सर। मैप भी दिखा दिया आपको यहाँ पे। तो इस सिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। विकिपीडिया समरी भी आपको यहाँ पे आ जाए। तो इस सिटी हो गया, इसी से किसी भी सिटी के बारे में बात कर सकते हैं। सिटी के बाहर अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है स्टॉक। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ SDIN, क्लिक करके मैं इसको स्टॉक पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो SBIN लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आ गया। अब इसकी जो है प्राइस, अगर मैं क्लिक करता हूँ प्राइस के ऊपर तो मुझे इसकी प्राइस दिख जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ कितना पे ओपन हुआ है, कितना पे लो कितना था, ये उसके लेटेस्ट है बाद सर, हाँ लेटेस्ट लाइव रहते हैं। लाइव होगा। अगर गुड आप इस पे जाएंगे क्या बोलते इवनिंग हैं, दिन स्टॉक में के। जब एक्सचेंज खुला रहता है उस समय देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, नाम लिख दीजिए या फिर जो ये आपको दिख रहा है ना सर कोड, इस कोड में एक कोड होता है, राइट सर, ये आ यस सर। जाएगा। उसी तरह से करेंसी, जैसे मैंने बोल दिया कि USD/INR, क्या अब इसके ऊपर करेंसी के पे क्लिक कर देता हूं। अब करेंसी होते ही आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई प्राइस क्या है, सबसे पहले प्राइस तो दिख गया सर, कितना पे ओपन हुआ, हाई कितना था, लो कितना था, तो ये प्राइस, ये भी आपका लाइव। तो आपको करेंसी कन्वर्टर बनाना हो कि आपको भी डाले INR में डाले USD में कन्वर्ट हो जाए तो इस डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे INR से PKR, PAR होता है ना, करेंसी क्लिक किया, अब इसको ढूंढ नहीं पाया है, ढूंढ नहीं पाया तो ये सिलेक्टर दे दिया कि क्या है, तो पी के पाक आर होता है सर, PAK, क्या, PAK होता है सर, PAK वाला। नहीं तो ये हो गया आपका नहीं। अच्छा हाँ, इसके लिए उपाय है, आपका जब कनिष्क यहाँ पे आपको दिक्कत होगी करेंसी कोड नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ करेंसी पे आ जाएं और यहाँ पे आपको करेंसी कोड, जैसे करेंसी कोड आएगा IDR हो गया, HKR हो गया, दिख रहा है सर करेंसी कोड NR। पीजी के पीजी ओके, के आर सही तो है, पी के आर है अपने पार लिखा है। यहाँ पे, ले लिया सर। अब यहाँ पे ये आ गया।
गया? इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान का 3 रुपया है। टिकट सिंबल फ्रॉम करेंसी INR है, करेंसी कौन सा PKR है, और इसके बारे में जो जानना चाहो आप जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपसे यहां से अपना करेंसी का यूज कर सकते हैं, यहाँ सॉरी डेटा कलेक्टर में करेंसी। तो क्या हम करेंसी ही कर सकते हैं? हमने कहा कि अभी स्टॉक लिया, करेंसी लिया, जॉब रिकॉर्ड का लिया, ये इसमें और चीजें भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मोदी लिख रहा हूं, ठीक है ना, और यहाँ पीपल आपको आएगा। अब इसको प्रॉब्लम है कि मोदी कौन सा है, यहाँ पे हम नरेंद्र, सर्च करेगा, यहाँ का नरेंद्र मोदी यही है, सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब इनके बारे में पता कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका, इनका फुल नेम क्या है, इनकी हाइट कितनी है, इनकी इमेज क्या है, ठीक है ना, नेटवर्थ कितना है। हमारे पका आई थिंक 1 करोड़ है ना सर, मतलब हमारे प्रधानमंत्री करोड़पति है ना, ऑक्यूपेशन या पॉलिटिशियन है। इसके बारे में यहां से आप सपोज का नाम देखें क्या है, दिख रहा है सर सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आज आप बता रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर पेरेंट्स कौन कौन है, समझ गए सर, प्लेस ऑफ मैं बर्थ। लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो पहले ले सकते हैं आप सिटी ए ले लिए, पीपल्स ले लिए, क्या हमने पीपल्स के बारे में जान लिए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कुछ और चीज के भी जानने बारे में जानने, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि एक केमिस्ट्री का कोड है H2O, मुझे इस पे कंफ्यूजन है। अब इस पे आप क्या कर दीजिए, इस पे कर दीजिए आप केमिस्ट्री, आ गया वाटर। अब इसके बारे में पता कर लीजिए 3D स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए 3D स्ट्रक्चर मिल गया आपको, फॉर्मूला स्टार्टिंग H2O, एलिमेंट टाइप ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, फॉर्मूला स्ट्रिंग H2O तो वही है, और इसी के बारे में पूरा दिख रहा है, दिख रहा है सर, यहाँ में पूरा इसके बारे में बात करेगा, सरफेस टेंशन कितना होगा, सब कुछ आ जाएगा। तो इसके बारे में ही बात कर सकते हैं। अब मैं डॉग लिख दिया, मुझे डॉग के बारे में बात करनी है, तो ये डाटा सिलेक्टर आप जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एनिमल, यहाँ दिख रहा होगा एनिमल आ गया। अब यहाँ पे इसकी फैमिली कौन सी है, इमेज क्या है, किंगडम क्या है, किंगडम तो एनिमल ही होगा, ये पूरा इसके बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉमन नेम डॉग है। तो यहाँ से डेटा सिलेक्टर यूज कीजिए, और जिसके बारे में आपको पता करना है आप पता कर सकते हैं, स्पेस स्पेस सब जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे मार्स लिख दिया, मार्स, और इसको हमने कर दिया कि भाई ये हमारा स्पेस है, मार्स को नहीं समझ पाया, मार्स का स्पेलिंग यही होता है ना, ऐसे ही होता है क्या, नहीं, यस सर, रहता है सर, यस। ए, हाँ ए आया मार्स। अब यहां पे ठीक सर, ये मार्स का यस रहता है, आई थिंक। था एस रहता है, हाँ, RS। RS ना, थोड़ी सी इंग्लिश वीक है मेरी, ठीक है नहीं, ना, इट्स ओके। क्योंकि हम लोग राजकीय उच्चकृत विद्यालय में पढ़े हैं ना सर, नहीं ले रहा है मार्स, लेक ले रहा है, प्लेनेट नहीं, स्पेस नहीं ले रहा है।
अब लिया स्पेस, ठीक है, मार्क्स देने के बाद अब स्पेस लिया, अब इसके ऊपर दे दीजिए एज, कितने साल का है आपका मार्क्स, ये चीजें आप कर सकते हैं। तो डेटा सिलेक्टर समझ में आ गया? हेलो, यस सर, इमेज मार्क्स का, यस सर, हाँ बोलिए। बट ये आपकी लेटेस्ट एक्सेल जो है उसके अंदर आपको मिलेगा, बाकी जगह पे चीजें नहीं मिलेगी डेटा सिलेक्टर, समझ गए। यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है तो पता कर सकते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में डाला, अब मैं इसके अंदर यूनिवर्सिटी क्लिक करूंगा, आ गया यूनिवर्सिटी का पूरा नाम ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप ऑल स्टूडेंट कितने हैं वो देख सकते हैं, लोकल मैप, लोकेशन, लोगो, ठीक है, यहाँ पे वेदर, वेबसाइट, ये सब लाइव डेटा ले रहा है इंटरनेट से सर, विकिपीडिया समरी, ऑल फॉर्म डेटा, ईयर फाउंडेड, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ला सकते हैं, ये डेटा सिलेक्टर का काम होता है, राइट सर? ओके सर।